हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है कामकाज। आज हम लोग GSTR 3, जो कि मंथली रिटर्न है रेगुलर पर्संस के लिए, हाँ रेगुलर डीलर के लिए, उनकी बात करेंगे। हाउ टू फिल, जब हम इस रिटर्न की बात करेंगे तो आपके दिमाग में पहला ख्याल आता होगा कि सर आपने ना हमें GSTR 1 बताया, ना 2 बताया, ना 2A बताया, सॉरी 1A नहीं बताया, आप ना डायरेक्ट हमको 3 के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि एक बार ये तो पता चल जाए कि 1 का जो रिजल्ट होगा वो किस में जाएगा, 2 का जो रिजल्ट होगा वो किस में जाएगा, 1A का रिजल्ट होगा वो किस में जाएगा, जब सारे के सारे रिजल्ट 3 में ही जाने हैं। और इस 3 का जो रिजल्ट रहेगा वो है टैक्स लायबिलिटी एंड पेमेंट देयर ऑफ। टैक्स लायबिलिटी कह सकते हैं, पेमेंट कैसे होगा वो तो पेमेंट में देखा जाएगा, लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं तो कोई बुरी बात नहीं होगी। तो फिलहाल हम अपनी टैक्स लायबिलिटी या टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के बारे में बात कर रहे हैं। टैक्स लायबिलिटी एंड डिस्चार्ज इट, दैट्स इट। अच्छा, दो बार इट इट कहने का मतलब ये कि अगर हम आपको 1 पढ़ाएं तो दिमाग में ये आता है किया क्यों, 2 पढ़ाएं, ये तो मालूम है कि 1 जो है दिस इज द स्टेटमेंट विच शो द डिटेल्स रिगार्डिंग द आउटवर्ड सप्लाईज, यस और नो? यस सर। इन द सेम वे जो 2 है वो इनवर्ड सप्लाईज के बारे में होता है, ये तो हम लोग को मालूम है सर, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जो 3 है वो हमारा डायरेक्ट कवर होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1, 2 एंड 1A। अच्छा, अगर मैं बात करूं हमारे GSTR 3 की तो इसमें दो पार्ट समझ में आएंगे, दिखेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ GSTR 3। जो पार्ट ए होगा, हम लोगों को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, 70 to 80% ऑफ दिस रिटर्न्स विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली, मीन्स द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ दिस रिटर्न विल बी ऑटो पॉपुलेटेड बाय हैविंग द डिटेल्स फ्रॉम ऑल दीज 3। यानी GSTR 1 की डिटेल लेकर के हमारा GSTR 3 का पार्ट ए, GSTR 2 की डिटेल्स लेकर के हमारा GSTR 3 का पार्ट ए, GSTR 1A की डिटेल लेकर के GSTR 3 का पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। इट इज ऑफ नो यूज टू फिल इट बाय मैनुअल, मैनुअल यूज से फिल करने की कोई जरूरत नको। यानी हम लोग को पूरा का पूरा कंसंट्रेशन, सर इसका मतलब आप हमें जो बताएंगे वो उसमें केवल GSTR 3 का पार्ट बी बताएंगे? जी बिल्कुल गलत जवाब, हम आपको दोनों चीजें डिटेल में बताएंगे कि आखिर GSTR 3 के पार्ट ए में क्या क्या आता है, क्यों आता है, और GSTR 3 के पार्ट बी में टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, दैट्स इट। अच्छा, जहां तक बात करें, आपके सामने GSTR 3 है। GSTR 3 तब तक आप नहीं भर पाएंगे, सबसे पहली चीज ये, GSTR 3 जब तब तक आप नहीं फिल कर पाएंगे जब तक कि यानी GSTR 3 तब आप काम कर पाएंगे जब GSTR 1 एंड 2 आपने फिलअप किया हो या जनरेट करके रखा हो। मैंने थोड़ी देर पहले बताया GSTR 1 की डिटेल, 1A की डिटेल, 2 की डिटेल्स हमारी GSTR 3 के पार्ट ए में जाती है। ओके,
सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि किस मंथ की ये रिटर्न है, रिटर्न है किस मंथ की, रिटर्न है ईयर। सबसे पहले तो आप जो मैंने ये पेजेस अपने हाथ में रखे ना, उसी तरह का प्रिंट आउट लेकर अपने हाथ में रख लें। जब मैं बोलूं आपका ध्यान हमारे सामने होना चाहिए, और जब मैं यहां देखूं तो आपका भी ध्यान वहां होना चाहिए फिलहाल। और जब मैं लिखूं तो आप लोग लिखेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। पार्ट ए जीएसटीआर 3, सबसे पहले जीएसटी नंबर लिखना पड़ेगा, लीगल नेम हो तो मालूम है, तो ऑटो पार्ट को रिलेटेड होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल पॉइंट नंबर 3 जो है पार्ट ए का, पार्ट ए में जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, सीक्वेंस नंबर 3, उसमें हमें टर्नओवर की डिटेल देनी है। किसकी डिटेल देनी है? अब वो टर्नओवर टैक्सेबल है, अच्छा, जीरो रेटेड है विद पेमेंट, जीरो रेटेड है विदाउट पेमेंट, डीम्ड एक्सपोर्ट है या फिर नॉन टैक्सेबल है, और या हो सकता है निल रेटेड या एग्जेम्प्टेड हो। तो आपको ये सारी की सारी डिटेल्स होगी तो ऑटो पॉपुलेटेड, लेकिन जरा देखें गवर्नमेंट ने आपकी सारी डिटेल्स आपके सामने ऐसे रख दी आईने की तरह कि टैक्सेबल ये है, जीरो रेटेड ये है, जीरो रेटेड विद एंड विदाउट हो गया, और डीम्ड एक्सपोर्ट ये है, नॉन टैक्सेबल निल एंड एग्जेम्प्टेड सेल्स, टोटल टर्नओवर आपका पता चल गया। सर इसमें आपने ना अलग अलग नहीं किया, बिल्कुल सही, हो सकता है कि इसमें इंटर स्टेट की सेल हो, टर्नओवर हो, इंट्रा स्टेट का हो, या आरसीएम बेसिस पर आउटवर्ड सप्लाईज हो। मैं कौन सी बात कर रहा हूं? आउटवर्ड सप्लाईज की बात। ये टोटल सेल आपके सामने आ गया, मैंने टर्नओवर किया, टर्नओवर का मतलब सप्लाई दी, सप्लाई किस चीज की, गुड्स की या सर्विसेज की। अब वो सप्लाई या तो इंटर स्टेट टैक्सेबल है, या तो इंट्रा स्टेट टैक्सेबल है, या जो मैंने सप्लाई दी है वो सप्लाई भले ही गई तो मेरे यहां से है, लेकिन टैक्स सामने वाला देगा, रिसिपिएंट ऑफ द सप्लायर, रिसिपिएंट ऑफ द सप्लायर, RCM outward supply, मुझे इस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। It doesn't mean at all that the particular item is exempted or not at all. Exempted items are to be shown separately. Is it clear? जी, कहने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने टोटल टर्नओवर आपके सामने रख दिया, और ढंग से सुनेंगे, मैं बार बार इस चीज पर आ रहा हूं, मैं इतनी ज्यादा इस पर बोल रहा हूं कि जब आप आगे के फॉर्म फिलअप करेंगे ना, हर चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी, मुझे ज्यादा आपको बताने की जरूरत। तो हमें बस इतना ध्यान देना था इसमें, मैंने कहा ना, मैं बार बार इसलिए इसको टोक रहा हूं कि आप जब आगे फिलअप करेंगे चीजों को, तो यू विल कम टू नो दैट व्हाई आई डिड सो मच एम्फेसाइज ऑन दीज मैटर। मैंने इतना दबाव इस पर इसलिए रखा क्योंकि आपको ये सामने समझ में आ जाए कि सारा कमाल इन्हीं चीजों का है। कैसे सर? चलिए देख लेते हैं। आप सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में आउटवर्ड सप्लाई दिया है, और आउटवर्ड सप्लाई में भी सबसे पहले पहले इंटरस्टेट सप्लाई दिया है। ओके, अगर हम आउटवर्ड सप्लाई के 4.1 के बारे में डिस्कस करें तो वो इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में बोलता है, 4.2 के बारे में बात करें तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई के बारे में बोलता है, और जब हम 5 के बारे में बात करेंगे तो वो आरसीएम के लिए बात करता है। हाँ या ना? लेकिन ना, जरा हम आगे 5 में, तो वो आउटवर्ड नहीं बल्कि आरसीएम इनवर्ड सप्लाई के बारे में बोलेगा। कैसे बोलेगा, कहां बोलेगा, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंटर स्टेट सप्लाई, पॉइंट नंबर 4.1, कॉलम नंबर जो है 4.1, उसके बारे में बात करते हैं। इंटर स्टेट